अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं टमाटो और सेमिया से बनाने वाले हैं हेल्दी डोसा। ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। आप इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है और ये बहुत ही क्रिस्प बनती है। और यहाँ पे मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे हम 1 कप सेमिया। इसे 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह से भूनना है, हम मीडियम फ्लेम पर रखकर ही। देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसका फ्लेम धीमी पे कर देंगे और इसे एक इस तरह से हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में डालेंगे 1 कप सूजी यानी उपमा रवा डालेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे न्यू रेसिपीज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जितना आप सूजी की क्वांटिटी ले रहे हैं उतना ही सेमिया का भी क्वांटिटी ले। मैंने यहाँ दोनों को बराबर क्वांटिटी में लिया है। आप सेमिया की क्वांटिटी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक हम टमाटो का पेस्ट बना लेंगे। एक मिक्सी जार लिया है और इसमें डालेंगे 2 से 3 टमाटर और 2-3 हरे मिर्च डालकर इसे एक पेस्ट के जैसा बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम पेस्ट बना लिया है और इसी में हम डालेंगे जो रवे को भूनकर रखा था उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। सूजी यानी रवे को ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से पतला सा बैटर के जैसा पीस लेंगे। ढक्कन से ढककर हम देखिए बैटर कुछ इस तरह से बनकर तैयार है। आपको इस तरह से पेस्ट के जैसा पीस लेना है। अब हम इसे एक बॉल में ऐड कर लेंगे और हम मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसमें मिला लेंगे। जो भी उसमें लगा हुआ था बैटर वो भी आ जाएगा। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें और भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सेमिया को जो रोस्ट करके रखा था उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरह से ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर सेमिया की क्वांटिटी को कम करना चाहे तो आप इसे कम कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून डाला है और इसी में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई प्याज। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये बहुत गाढ़ा है, इसमें पानी डालकर हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ये इस तरह से पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी है। अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देंगे, तक हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी। आप इसे रेस्ट करने से पहले इसमें 1 से 2 स्पून आप गेहूं का आटे को भी मिला सकते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्प बनेगा और जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्प होगा, ताकि ये अच्छे से पलटने में आसानी हो। देखिए इसे भी मैंने डाल लिया है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स इसे ज़रूर डालें। ये बिना डाले भी अच्छा सा क्रिस्प बनेगा, लेकिन मैं बिगनर्स के लिए इसे डालकर बता रही हूँ। इस तरह से आप डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें इसके लम्स ना फॉर्म हो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें अब हम डोसे को डाल लेंगे। इसे इस तरह से हल्के हाथों से हमें स्प्रेड करना है। इस तरह से इसके ऊपर का लेयर अच्छे से ड्राई होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। क्रिस्प होने तक इसी तरह से 1 से 2 सेकंड के लिए कुक करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर लिड लगाकर भी इसे कुक कर सकते हैं। हम इसे एक बार अच्छे से फ्लिप कर लेंगे। इस तरह से इसके किनारों को हम हल्के हाथों से इस तरह से निकाल कर इसको फ्लिप कर लेंगे।
देखिए बहुत ही आसानी से फ्लिप हो गया है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसे क्रिस्प होने तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर ही कुक करेंगे। अब हम इसका फिर से साइड चेंज करेंगे, चेक करेंगे कि ये कुक हुआ है या नहीं। देखिए दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। इसी तरह से हम सभी डोसे को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए क्रिस्पी सा बन गया है और ऊपर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट रहेगा। ये बहुत ही टेस्टी रहेगा। ये रेगुलर डोसे के जगह आप इस तरह से एक बार डोसा ज़रूर ट्राई करें और कैसा बना है कमेंट में मेंशन लिया है और इसे भी कुक कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी को बना कर रख लेंगे। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताइएगा कैसा बना है। और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दूसरे रेसिपीज़ के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।